हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में ना आपको कुछ इस तरीके का फोटो एडिटिंग करना सिखाने वाला हूं, जो यहां पे देख सकते हैं पीछे का बैकग्राउंड भी चेंज हो चुका है। एंड यहां पे जो कुर्ती का है, ये भी कुर्ती जो है यह भी चेंज हो चुका है। एंड यहाँ पे फेस भी इसका चेंज हो चुका है। तो सब आपको ना भाई लाइव प्रूफ दिखाऊंगा, एंड ऐसा ही जो है ना फोटो ऐसा आपको एडिट करके दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं, यहाँ पे जो फेस है इसका, यहाँ पे फेस भी साइन मार रहा है। एंड यहाँ पे ना भाई वन क्लिक में आपको बैकग्राउंड चेंज करके दिखाने वाला हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है ना भाई, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे इसका देख लीजिए, नॉर्मल फोटो कुछ इस टाइप का है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। एंड यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे नॉर्मल जो फोटो है ना कुछ ऐसा दिखा रहा है। एंड इसको हम क्लिक यहाँ पे एडिट करेंगे ना भाई, तो एकदम वैसा हो जाएगा जैसा पहले का फोटो था। तो यहाँ पे ये जो दिख रहा है फोटो ना फ्रेंड, यहाँ पे आपको ये वाला फोटो दिख रहा है ना, काफी अच्छी तरीके से यहाँ से एडिट हुआ है। तो अगर भाई ये वीडियो आप देख लेते हैं, तो 100% एंड भाई फोटो एडिटिंग करना सीख जाएंगे। एंड पूरी अच्छी तरीके से समझाया हूँ, एंड पूरा अच्छा से मैं बताया हूँ आपको, वह भी बहुत आसान तरीके से। यहाँ पे देख सकते हैं ना भाई, यहाँ पे काफी अच्छी तरीके से ये फोटो एडिट हुआ है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए भाई वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे भाई आपको करना क्या होगा, एंड यहाँ पे देख लीजिए ना, लाइव थ्रू आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मैं इसे ओपन कर देता हूँ कुछ इस प्रकार। ओपन करने के बाद ना यहाँ पे आपको ना एक पी सेट देने वाला हूँ, जो काफी ज्यादा इस समय ट्रेंडिंग में चल रहा है। वो उस पी सेट को आपको लेना है। तो मैं क्या करता हूँ, उस पी सेट को जल्दी से मैं ले लेता हूँ। तो यहाँ पे सबसे नीचे है, तो मैं उस पी सेट को ले लेता हूँ। तो क्या करूँगा ना भाई, उस पी सेट को मैं यहाँ से ले लेता हूँ। तो देख सकते हैं ये वाला पी सेट है, तो काफी ज्यादा इस समय ट्रेंडिंग में चल रहा है। उस पी सेट को मैं क्या करता हूँ, ले लेता हूँ। तो यहाँ पे हम इसे थ्री डॉट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ से भाई देखिए, यहाँ पे थ्री डॉट वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ से क्लिक करने के बाद ना यहाँ पे जो ये वाला ऑप्शन दिख रहा है, बेस्ट सेटिंग, यानी कि यहाँ पे कॉपी सेटिंग पे या तो ये वाला ऑप्शन ले लीजिएगा। एंड यहाँ पे ये वाला ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पे कॉपी सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है ना, यहाँ पे कॉपी, इस पर क्लिक कीजिएगा। नीचे वाले ऑप्शन पे मत क्लिक कीजिएगा, कॉपी सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। तो मैं क्या करूँगा, इस कॉपी सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, एंड यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ से मेरा फ्रॉम जो है ना प्री सेट, यहाँ पे कॉपी हो गया है, देख लीजिए। एंड यहाँ से पैक हो जाते हैं। एंड जिस भी फोटो को आपको बनाना है फ्रेंड, यानी जिस फोटो में आपको बैकग्राउंड लगाना है, यानी कि चेंज करना है, उस फोटो को आपको ले लेना होगा। तो मैं क्या करता हूँ फ्रेंड, जिस भी फोटो को मुझे बनाना है यानी लेना है, उस फोटो को मैं ले लेता हूँ। तो यहाँ से उस फोटो को मैंने यहाँ से ले लिया। तो देख सकते हैं ये वाला फोटो है, तो काफी नॉर्मल सा फोटो दिख रहा है। एंड यहाँ पे ना एक झलक में भाई पूरा यहाँ पे इसका फ्यूचर, मतलब इसका बैकग्राउंड ही चेंज हो जाएगा। यहाँ से देख लीजिएगा, यहाँ पे आपको करना क्या होगा ना फ्रेंड, यहाँ पे ऊपर थ्री डॉट का ऑप्शन दिखेगा। तो एंड यहाँ पे थ्री डॉट के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। एंड यहाँ पे जो है ना प्रीसेट, यहाँ पे बेस्ट सेटिंग दिख रहा है, यहाँ पे देख लीजिए, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे हम इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ना, तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। तो देख लीजिए यहाँ पे पहले कैसे था, एंड यहाँ पे अप्लाई हो चुका है प्रीसेट। होने के बाद ना यहाँ पे आपको करना क्या होगा फ्रेंड, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। तो एंड यहाँ पे हम एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। एंड यहाँ पे क्या करेंगे ना, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा फ्रेंड, यहाँ पे कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, तभी भाई आपको समझ में आएगा। यहाँ पे कलर वाले ऑप्शन पे हम क्लिक किए, एंड यहाँ पे मैक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक किए। एंड यहाँ पे क्लिक करने के बाद ना आपको करना क्या होगा फ्रेंड, यहाँ पे जो ऑरेंज वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है। एंड यहाँ पे जो ये वाला फ्यूचर दिख रहा है नीचे का, एंड यहाँ पे 35 दिख रहा है फ्रेंड, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको कुछ इस तरीके का बढ़ा देंगे। तो देख लीजिए यहाँ पे बढ़ चुका है। एंड यहाँ पे जो बढ़ाए हैं ना, तो यहाँ पे इसके फेस का जो लाइट भी है ना, वो भी बढ़ चुका है। तो यहाँ पे देख लीजिए, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। एंड इसको ना थोड़ा सा यहाँ पे कम कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, थोड़ा इसको कम कर लेते हैं। एंड यहाँ पे थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम क्या करेंगे, इस टाइप बढ़ा देंगे। देख लीजिए, बढ़ाने के बाद आपको करना क्या होगा फ्रेंड्स, आप ध्यान से देखेंगे भाई, तभी समझ में आएगा। एंड यहाँ पे जो है ना, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। एंड यहाँ पे क्लिक करने के बाद ना, यहाँ पे जो ये वाला जो ऑप्शन दिख रहा है, इस पे क्लिक कीजिएगा। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे फ्रेंड, इसको हल्का सा थोड़ा सा यहाँ पे स्क्रॉल करके बढ़ा देंगे, बस इतना बस करना है इस लाइट रूम में। एंड यहाँ पे करने के बाद ना इसे हम सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, ऊपर सेव का ऑप्शन है, तो आप सेव कर लीजिएगा। तो मैं सेव कर लेता हूँ। एंड यहाँ से क्या करूँगा, सेव कर लेता हूँ। तो यहाँ पे सेव करने के बाद ना फ्रेंड, आपको बहुत ही ईजिली तरीका बताने वाला हूँ। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे खोलने वाले हैं पिकशॉट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पिकशॉट खोलेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, पिकशॉट यहाँ पे दिख रहा है। एंड यहाँ पे पिकशॉट खोल लीजिएगा। एंड खोलने के बाद जो भी फोटो आप वहाँ से लिए रहेंगे, मतलब बनाए रहेंगे, उस फोटो को हम ले लेते हैं यहाँ से। तो आप भी ले लीजिएगा कुछ इस प्रकार। एंड लेने के बाद ना यहाँ पे क्या कीजिएगा फ्रेंड, यहाँ पे जो ये दिख रहा है, इसको हटा दीजिएगा अपने, मतलब अपना जो यहाँ पे पिंटूरा दिख रहा है, यहाँ पे हटाना होगा तो हटा लीजिएगा। तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे फ्रेंड, ध्यान से देखना, तभी भाई आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे हम इसका जो यहाँ पे दिख रहा है ना, इसको हम चेंज करेंगे। यहाँ पे जो
यहाँ पे जो येलो वाला दिख रहा है जिस पे हम क्लिक करेंगे मतलब इसको चेंज करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे फ्रेंड, यहाँ पे इफेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा एंड बहुत ही आसान तरीका आपको बताने वाला हूँ। इफेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा एंड यहाँ पे कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे जो है येलो दिख रहा है इस पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे क्लिक करने के बाद ना आपको करना क्या होगा, आपको रेड रख लेना होगा। तो यहाँ पे रेड रखने के बाद ना फ्रेंड यहाँ पे आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। तो ध्यान से देखिए भाई, तभी समझ में आएगा। एंड यहाँ पे करने के बाद ना यहाँ पे जो रहेगा ना फ्रेंड बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पे क्या करेंगे ना फ्रेंड, जो यहाँ पे जो रेड लगा है यहाँ पे देख लीजिए एंड जो यहाँ कपड़ा है वहीं पे आप रेड रेड करिएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रेड कलर यहाँ पे कर देते हैं। तो देख लीजिए बहुत ही ईजिली तरीके, बहुत आसान तरीके से आपको समझा रहा हूँ एंड बता रहा हूँ। तो आप भी ऐसे अप्लाई करेंगे ना भाई तो आपका भी होगा ऐसे ही एडिट होने वाला है। तो यहाँ पे आपको करना क्या होगा, तो यहाँ पे मैं देखिए यहाँ पे कर लेता हूँ तो करके आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ पे जल्दी से मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। अप्लाई करने के बाद ना फ्रेंड आपको करना क्या होगा वो अभी आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा हल्का हल्का दिख रहा है, यहाँ पे अप्लाई कर दे रहा हूँ। एंड यहाँ पे अप्लाई करने के बाद ना आपको बहुत ही इजीली तरीके, बहुत ही अच्छी तरीके से बताने वाला हूँ भाई, पूरे यूट्यूब से अलग है। तो हमको करना क्या होगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे ना यहाँ पे सेव कर लेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए एंड यहाँ पे हम सेव कर लिए एंड सेव करने के बाद ना यहाँ पे क्या करना है फ्रेंड, यहाँ पे हम सेव कर लिए। सेव करने के बाद यहाँ पे आपको करना क्या होगा, यहाँ पे जो ये वाला ऑप्शन दिख रहा है ना फ्रेंड यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टूल्स वाला ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा एंड यहाँ पे इसका ब्राइटनेस जो है यहाँ पे ब्राइटनेस वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा एंड यहाँ पे हम कुछ इस प्रकार ब्राइटनेस बढ़ा लेते हैं। तो देख लीजिए एंड आप भी बढ़ा लीजिएगा एंड यहाँ पे बढ़ाने के बाद ना इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, हल्का सा बस यहाँ पे हल्का सा चेंज करेंगे कुछ इस प्रकार से। तो हल्का सा आप भी चेंज कर लीजिएगा एंड ये वाला ऑप्शन भी देख लीजिएगा एंड इसको भी हल्का सा चेंज कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हम चेंज कर लिए एंड चेंज करने के बाद ना हम क्या करेंगे फ्रेंड, यहाँ पे क्लिक करेंगे ऊपर वाला ऑप्शन देख लीजिए एंड ऊपर वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा एंड यहाँ पे क्या कीजिएगा ना, फेस पे आपको क्या करना है, जो ये फेस दिख रहा है इस पे आपको ना उस मतलब इफेक्ट को लगाना है, जो वहाँ से किए हैं ना उसको ले लीजिएगा फेस पर। यहाँ से देख लीजिए मैं इसको लगा रहा हूँ, तो आप भी लगा लीजिएगा कुछ इस प्रकार से। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जो फेस पे है ना, फेस पे लाइट ला रहा हूँ यानी फेस को चमका रहा हूँ। यहाँ से मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फेस को चमका रहा हूँ, तो आप भी चमका लीजिएगा एंड यहाँ पे हम बहुत ही इजीली तरीके आपको बताने वाला हूँ। तो आपको भाई समझ में आता ही होगा एंड यहाँ पे देख लीजिए जहाँ जहाँ ब्लैक मतलब जहाँ जहाँ एक कलर व्हाइट टाइप दिख रहा है उसको आपको करना क्या होगा एंड यहाँ पे थोड़ा सा स्मूथ कर देना होगा। यहाँ पे देख लीजिए हल्का 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 स्मूथ कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हम हल्का हल्का स्मूथ कर चुके हैं एंड कर रहे हैं, तो आपको भी ऐसा करना होगा। एंड यहाँ पे आपको सिलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, यहाँ पे सेव कर लेना होगा इसको भी एंड सेव करने के बाद ना फ्रेंड यहाँ पे आप आइएगा इस वाले ऑप्शन पे। इस वाले ऑप्शन पे आने के बाद ना यहाँ पे देख लीजिएगा एंड यहाँ पे जो रहेगा ये वाला ऑप्शन दिख रहा है इस पे हेयर वाला, इस पे क्लिक कीजिएगा एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे ना रेड कलर सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे रेड कलर सेलेक्ट किए एंड सेलेक्ट करने के बाद ना फ्रेंड यहाँ पे हम क्या करेंगे ना यहाँ पे जो ये रहेगा बाल का, बाल पे जो दिख रहा है इसको हम मिटा लेंगे यानी कि हटा लेंगे। यहाँ पे रबर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड इसको हम हटा लेते हैं। हटाने के बाद ना फ्रेंड यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो यहाँ पे जो इनका ओठ दिख रहा है यानी कि ओठ यहाँ पे दिख रहा है इसको हम रेड करेंगे कुछ इस टाइप पर। देख सकते हैं यहाँ पे रेड हो चुका है एंड हो रहा है एंड बहुत ही बारीकी से बहुत ही अच्छी तरीके से रेड हो रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे ना फ्रेंड यहाँ पे हम लगा देंगे एंड लगाने के बाद यहाँ पे सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद ना फ्रेंड फिर से वही वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कीजिएगा एंड यही वाला ऑप्शन आप दिख रहा है इस पे क्लिक कीजिएगा एंड क्लिक करने के बाद ना आपको करना क्या होगा, आपको ये जो व्हाइट वाला दिख रहा है ना फ्रेंड इसको ले लेना होगा एंड यहाँ से आपको करना क्या होगा, यहाँ पे इस पे ले लीजिएगा एंड व्हाइट सेलेक्ट करने के बाद इसको भी हल्का सा बढ़ा लीजिएगा। एंड बढ़ाने के बाद ना फ्रेंड यहाँ पे हम क्या करेंगे ना यहाँ पे रबर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे मिटा देंगे। यहाँ पे जो जितना रहेगा ना यहाँ पे सिलेक्ट दिखा रहा है, यहाँ पे बाल पे सिलेक्ट दिखा रहा है, इसको मिटा लेंगे एंड अपने हिसाब से आप बाल पे सिलेक्ट मतलब कलर कीजिएगा। कलर मैं कर रहा हूँ अपने हिसाब से, तो आप भी अपने हिसाब से बाल पे कलर कर लीजिएगा यानी कि हेयर पे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे कलर कर देते हैं कुछ इस तरीके का दिख रहा होगा। यहाँ पे कलर करने के बाद ना फ्रेंड आपको करना क्या होगा, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा एंड सेलेक्ट करने के बाद ना फ्रेंड यहाँ पे आपको एक PNG देने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप ऐड फोटो पे क्लिक कीजिएगा, जो भी डिस्क्रिप्शन में आए तो टेलीग्राम में दे दूंगा, उसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा एंड यहाँ पे वो PNG मैं ले लेता हूँ। एंड PNG लेने के बाद ना फ्रेंड क्या करना है आपको, यहाँ पे देख लीजिए PNG दिख रहा है, इसको हम ले लेते हैं एंड यहाँ पे क्या करेंगे ना फ्रेंड कुछ इस प्रकार करेंगे एंड यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे कुछ इस तरीके का लगा देंगे। तो देख लीजिए काफ़ी अच्छी तरीके से दिख रहा है एंड यहाँ पे लगाने के बाद ना यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेव कर लेंगे कुछ इस प्रकार से।
देख लीजिए कितना अच्छे तरीके से सेफ हुआ है, एंड पीछे का बैकग्राउंड भी चेंज हुआ है। तो हम इसे क्या करेंगे फ्रेंड, यहाँ पे जो है ना यहाँ पे सेव कर लेते हैं, एंड सेव करने के बाद ना आपको इफेक्ट वाला ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं, एंड क्लिक करने के बाद ना फ्रेंड यहाँ वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कीजिएगा, एंड यहाँ पे देख लीजिए काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे बैकग्राउंड भी चेंज हो गया है, एंड यहाँ पे बेहतर तरीके से एडिट भी हो गया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे हम सेव कर लेते हैं, एंड यहाँ पे सेव करने के बाद ना फ्रेंड यहाँ पे मतलब यहाँ पे हम सेव कर लेते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से बता रहा हूँ फ्रेंड, यहाँ पे आप भी सेव कर लीजिएगा। एंड सेव करने के बाद ना आपको रिमेनिंग ऐप खोलना होगा, यहाँ से रिमेनिंग खोलना होगा। तो यहाँ से आप रिमेनिंग खोल लीजिएगा, एंड जो भी फोटो आप पिकशॉट से बनाए रहेंगे उसे आप ले लीजिएगा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं रिमेनिंग खोल लेते हैं, एंड खोलने के बाद ना यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे खुल गया है, एंड खोलने के बाद जो भी फोटो हमको वहाँ से मैं बनाया हूँ उसे हम ले लेता हूँ। तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ, यहाँ से देख लीजिए मैं ले लेता हूँ, आप भी ले लीजिएगा। एंड यहाँ से हम क्या करेंगे ना इसको रिमेनिंग करेंगे, तो सॉरी यहाँ पे नेट नहीं मैं खोला हूँ। तो यहाँ से हम क्या करेंगे रिमेनिंग करेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे भाई रिमेनिंग यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ से ले लेते हैं। यहाँ से रिमेनिंग करने के बाद ना आपको करना क्या होगा ना भाई, बहुत ही अच्छी तरीके से वो सेफ हो जाएगा, एंड यहाँ बहुत ही अच्छी तरीके से बन जाएगा। तो यहाँ से देख लीजिए मैं रिमेनिंग कर लेता हूँ, आप भी रिमेनिंग कर लीजिएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है ना भाई, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।